तो फाइनली भाई लोग देख सकते हो मैं अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर माइकल मोड मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड ले चुका। तो गाइस आप भी अगर आपकी गेम के अंदर माइकल मोड मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड लेना चाहते हो तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप आपकी गेम के अंदर माइकल मोड मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड कैसे ऐड कर सकते हो। फाइनली भाई लोग ये सब न्यू मोड गेम के अंदर ऐड करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस एक सीक्रेट सेटिंग करना है गेम के अंदर। जैसे ही आप उस सीक्रेट सेटिंग को गेम के अंदर कर लेते हो तो आपके गेम के अंदर भी माइकल मोड मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप माइकल मोड का गेम प्ले देख सकते हो जो कि मैं मेरा गेम के अंदर ऐड करवा चुका हूं। यहाँ पे मल्टीप्लेयर मोड का भी गेम प्ले देख सकते हो और फाइनली GTA 5 मोड का भी गेम प्ले देख सकते हो, जो कि मैं तीनों मोड गेम के अंदर ऐड करवा चुका हूं। तो भाई लोग आप भी अगर आपकी गेम के अंदर ये सब न्यू मोड कैसे ऐड कर सकते हो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। भाई लोग यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ये सब न्यू मोड हमारे गेम के अंदर अभी तक ऐड नहीं हुआ, ये सब फेक है। तो भाई यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ एक मोड गेम के अंदर ऐड करके दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ना माइकल मोड में आपके गेम के अंदर ऐड करके दिखा देता हूं। माइकल मोड गेम के अंदर ऐड करने के लिए आपको जो जो चीज करना है वही चीज मैं आपको करके दिखा देता हूं लाइव प्रूफ के साथ। तो भाई माइकल मोड गेम के अंदर ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक देख रहे होंगे, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें लेके जाएगा WB सुमित गेमर के ग्रुप में, मतलब व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप में। इस ग्रुप पे हमें सबसे पहले ज्वाइन हो जाना है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पे देख सकते हो माइकल मोड। माइकल मोड का यहाँ पे भाई लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को हमें कॉपी करना है। तो मैं जो स्टेप कर रहा हूं यही सेम स्टेप अब भी करना तो आपके गेम के अंदर भी माइकल मोड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर ले, अभी मैं चला जाता हूं गेम के अंदर। गेम के अंदर आने के बाद मैं मोबाइल निकालूंगा और इंटरनेट ऑप्शन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा देर में फाइल लोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब हमारे गेम के अंदर माइकल मोड एक्टिव हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, गेम को थोड़ा सा रीसेट करना है। जैसे ही गेम को रीसेट करेंगे तो हमारे गेम के अंदर ऐड आएगा। और हाँ, इस मोड को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले भाई इंटरनेट जरूर ऑन रखना, तभी ये मोड आपके गेम के अंदर ऐड होगा। तो भाई ये ऐड एस्केप होने के बाद ये गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी माइकल मोड हमारे गेम के अंदर नहीं आया। तो माइकल मोड को लेने के लिए हमें इसका चीट कोड चाहिए। अभी चीट कोड लेने के लिए हम दोबारा जाएंगे वही व्हाट्सएप चैनल पे और यहाँ पे देख सकते हो ये माइकल मोड का चीट कोड है PM2। माइकल का कैरेक्टर का चीट कोड है PM2। तो हम गेम के अंदर आते हैं और मोबाइल निकाल के RGS टूल में जाके लिखते हैं PM2। उसके बाद फिर से हमको गेम को रिसेट करना है। गेम भी रिसेट करने के बाद हो सकता है ऐड आ जाए, अगर ऐड आता है तो स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई माइकल मोड आ चुका है। तो सेम यही स्टेप फॉलो करके आप आपकी गेम के अंदर माइकल मोड को एक्टिव कर सकते हो। तो भाई सेम इसी तरह मैं आपको गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड भी ऐड करना सिखाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देख लेते हो तो ये दोनों मोड भी आपकी गेम के अंदर ऐड कर पाओगे। भाई लोग माइकल कैरेक्टर मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो इसको तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। यहाँ पे मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो इसको बताने से पहले आप लोगों का दिया हुआ कुछ मीट बस्टर को हम लोग कन्फर्म है ब्लास्ट करते, उसके बाद हम लोग जान लेंगे ये दोनों मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए भाई लोग अभी हम लोग आप लोगों का दिया हुआ मीट बस्टर को कन्फर्म है ब्लास्ट करते हैं। और हाँ भाई लोग, मीट बस्टर को कन्फर्म है ब्लास्ट करने से पहले आप लोगों से एक बिग रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई लोग आजकल मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोगों से बिग रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद मेरे चैनल डेट हो जाए। इसलिए भाई लोग आप लोगों से बिग रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। तो चलिए भाई लोग अभी हम लोग आप लोगों का दिया हुआ मीट बस्टर को कन्फर्म है ब्लास्ट करते हैं। तो सबसे पहला मीट पे भाई ने लिखा है ATB लेके कोई भी ऊंची जगह के कोने पे जाके बेल को स्पन करो, फिर बेल को एक गोली मारो, फिर ATP पे बैठ जाओ जल्दी से, तब तक बैठे रहना जब तक बेल आके आपको ना मारे, फिर देखो मैजिक होगा। ओके भाई, फाइनली भाई यहाँ पे बोला है पहले ATP लेना है और ऊंची जगह जाके हमें बेल को स्पन करना है, फिर बेल को गोली मारना है, तब हमें मैजिक देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई लोग देखते हैं कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग चलते हैं एक ऊंची जगह पे। तो फाइनली भाई लोग यहाँ पे ऊंची जगह के अंदर हमारे पास एक मेगा रैम है, मेगा रैम के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे सामने है मेगा रैम। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ATB ले लेते हैं। ठीक है, ATB का चीट कोड आई थिंक आप सबको पता होगा 4x2। यहाँ पे ATB भी आ चुका है, अभी इसके ऊपर बैठ के हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊंची जगह पे जो भाई बताया। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले। ओके, और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेल को स्पन करेंगे। बेल का चीट कोड है 10 और यहाँ पे भाई बेल भी आने वाला, ये भी आ चुका है। अभी क्या करना है, अभी भाई इसको गोली मारना। तो जैसे ये निकलेगा तब मैं जे ओके मैं मार दिया गोली। ओके, अभी भाई क्या होगा, भाई बोला है मैजिक होगा। ओके, ATP पे बैठ भी जाना है तो ATP पे बैठ जाता हूँ और थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ देखता। ओ माय गॉड, ये भाई बेल क्या कर दिया। अरे भाई ATP ऑटोमेटिक चल रहा है और माइकल कहाँ गए यार, ये क्या डेंजर मैजिक है भाई। भाई फाइनली यही मैजिक के बारे में बताया है। चलो हम लोग ना इस मिथ को एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। फाइनली ये मिथ बहुत ही खतरनाक लगा मुझे, तो हम लोग इस मिथ को फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ATP और बेल को ले लिया, अभी हम लोग गोली मारते हैं और ATP पे बैठ जाते हैं। बैठ गया और आके ओ भाई साहब मार दिया,
मारने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे देख सकते हो एटीपी ऑटोमेटिक चल रहा है, यहाँ पे माइकल है ही नहीं लेकिन एटीपी भाई यहाँ पे गोस्ट बन चुका है फाइनली। तो फाइनली भाई लोग यहाँ पे तो मुझे मैजिक देखने को मिला, तो मेरी तरफ से भाई का मिथ फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है स्टिकी बॉम मैन बनना है और फिर वेलोसिराप्टर को बुलाना है, फिर उसमें बैठ के एक्टिव वाले बटन दबाना है, फिर हम बहुत ऊपर से गिरेंगे और हमारा कैरेक्टर गायब हो जाएगा। ओके चलिए भाई के मिथ को ट्राई करके देखते हैं फाइनली कैरेक्टर गायब होता है या फिर नहीं। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले बन जाते हैं स्टिकी मैन। स्टिकी मैन बनने के लिए हम सबसे पहले लगा लेते हैं हेल्का चीट कोड, उसके बाद एक ही जगह बहुत सारे स्टिकी बम फेंक देते हैं। यहाँ पे ना हम बहुत सारे स्टिकी बम फेंकते तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे देख सकता हूँ मैं बहुत सारे स्टिकी बम एक जगह फेंक चुका हूँ। अभी इसको ऊपर चलेंगे और भाई स्काई फॉल का चीट कोड दबाएंगे और जैसे हम नीचे आएंगे तो भाई हम बन जाएंगे स्टिकी मैन। तो भाई बनने दो माइकल को स्टिकी मैन। ओके हम बन चुके हैं, अभी हमें डायल करना है 50। देखते भाई मोबाइल निकालते और 50 करते, फिर हमें ना दोनों बटन को एक साथ दबाना है। ओके अरे भाई ये तो बैठने का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ओके रुको रुको भाई यहाँ पे 50 नहीं 5050 दो बार करना है, ठीक है 5050। ओके यहाँ पे आ चुका है, अभी हम दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे, बैठने वाला और भाई एक्टिव वाला। ओके दबा दिया। ओ माई गॉड ये कहाँ चले गए भाई पटाखा फोड़ते हुए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। भाई ये माइकल देखो भाई पूरा आसमान में चले गया, अभी तक गायब तो नहीं हुआ, भाई बोला था गायब हो जाएगा कैरेक्टर। ओ माय गॉड ये इतना ऊपर जा चुका है। ओ भाई साहब देखो ये अभी गिर रहा है नीचे, देखते भाई ये जमीन पे गिरेगा या फिर। ओके इसको मैप से निकाल दिया फाइनली यार, माइकल को मैप से निकाल दिया। तो भाई मेरा कैरेक्टर यहाँ पे गायब हो चुका है, मैप के अंदर है ही नहीं भाई। तो फाइनली यहाँ पे भाई जो बोला था वो फाइनली काम कर रहा है, तो भाई का मिथ फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है पुलिस स्टेशन के बाहर जो दो पुलिस वाले गन लेके खड़े रहते हैं उनको कार और बाइक से टक्कर नहीं मार सकते। ओके भाई साहब चलिए भाई के मिथ को ट्राई करके देखते हैं फाइनली हम लोग पुलिस को टक्कर मार सकते या फिर नहीं। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। तो भाई यहाँ पे मैं येलो कलर का रॉल्स लेके जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, बारिश मोड है देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मौसम है। और भाई अरे भाई यहाँ पे जो दो पुलिस खड़े रहते हैं वो गया कहा, भाई मिथ पे तो यही लिखा है ना वो दोनों पुलिस को आप टक्कर नहीं मार सकते, लेकिन यार ये पुलिस स्टेशन का बाहर वो दोनों पुलिस है ही नहीं, गायब हो गए क्या। अरे यार ये कैसे मुमकिन है, अंदर है क्या, नहीं भाई अंदर भी नहीं है। अच्छा भाई कुछ गलत हो गया क्या, फिर से ट्राई करते हैं ठीक है। तो मैं सीधा घर पे आ गया, मतलब रीसेट कर दिया गेम को, और यहाँ पे मेरा डिफेंडर खड़ा है, मतलब न्यू लिया, इसके लिए भाई लाइक तो बनता है। तो हम लोग यहाँ से भाई निकालते और चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। यहाँ पे वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा ताकि भाई आपको पता चले कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो दो पुलिस रहता था वो गया कहा ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं पहुंच चुका। ओ भाई साहब लेकिन ये दो पुलिस अभी भी नहीं है, मतलब भाई जो ये मिथ बताया ये शायद पहले काम करता था लेकिन भाई अभी ये मिथ काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो पुलिस मामू है ही नहीं, मैं टक्कर किसको मारूंगा। तो मतलब यहाँ पे चेक ही नहीं कर पाया, तो मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब भाई जो ये मिथ बताया ये शायद पहले काम आता था लेकिन अभी काम नहीं आता है क्योंकि अपडेट के बाद यहाँ पे जो दोनों पुलिस है ना उसको हटा दिया। आप लोग बताओ भाई लोग यहाँ पे जो पहले पुलिस रहता था उसको क्या कार बाइक से टक्कर मार सकते थे या फिर नहीं, आप लोग बताना ये मिथ बस्ट है या फिर कन्फर्म है। जो भी था भाई का मिथ बहुत ही अच्छा था, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है मिनी जेट पैक और बोलेरो कार में एक साथ बैठो फिर देखो मैजिक। ओके भाई चलिए भाई के मिथ को ट्राई करके देखते हैं कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग चलते हैं भाई एक बोलेरो कार ले लेते सबसे पहले, लेकिन भाई यहाँ पे देख सकते हो हायाबुसा का क्या ही धमाकेदार स्टंट, बारिश मोड में भाई देख सकते हो गजब स्टंट है। कोई बात नहीं यहाँ पे भाई के मिथ को ट्राई करते हैं ठीक है। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं बोलेरो कार। बोलेरो कार का चीट कोड है 3100, बोलेरो कार आ चुका है, और मिनी जेट पैक का चीट कोड है 330, यहाँ पे मिनी जेट पैक भी आ चुका है। दोनों पे भाई एक साथ बैठना है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ ताकि भाई एक पे ना बैठ जाऊँ मैं ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सर ओके भाई यहाँ पे अभी बैठूंगा ना तो दोनों पे एक साथ बैठ जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे बैठ जाते हैं, बैठ गया और यहाँ पे कोई मैजिक तो अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई ये माइकल का पैर कैसे निकल गया। ओ भाई ये माइकल का पैर भाई छत पे कार का। ओ माय गॉड ये भाई अनोखा था ना, बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन ये अभी नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल तरीके से ड्राइव कर रहे, लेकिन थोड़ा देर पहले बहुत ही खतरनाक लग रहा था। चलो निकालते और फिर से एक बार ट्राई करके देखते। अरे भाई माइकल कहाँ गया, ये तो भाई पाताल लोग में चले गए। कोई बात नहीं हम लोग गेम को रिसेट करते। तो गेम को रिसेट करके यहाँ पे लेके आ चुके रॉल्स रॉयल्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार रॉल्स रॉयल्स एक बार ट्राई करूँ क्योंकि इसका छत नहीं है तो देखने में अच्छा लगेगा। ओके भाई यहाँ पे मैं लेके आ चुका, दोनों पे एक साथ बैठ जाते। ओके बैठने के बाद क्या, ओ भाई साहब धमाकेदार मैजिक है यार। इसका पैर देखो भाई, पैर हाथ दोनों भाई ऊपर की तरफ,
अरे भाई, इस तरह अगर कोई सही वाला इंसान को करवा दिया जाए भाई, मजा ही मजा आ जाएगा। जो भी हो भाई का मित, मुझे पसंद आया तो भाई का मित यहाँ पे फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मित को। नेक्स्ट मित पे भाई ने लिखा है, अगर आप स्टिकी मैन बन के जेट पैक में बैठोगे तो मैजिक होगा। ओके भाई, चलिए भाई देखते हैं कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई के मित को ट्राई करने के लिए हम लोग भाई सबसे पहले बनेंगे स्टिकी मैन। लेकिन भाई यहाँ पे देख सकते हो मैं एक न्यू कैरेक्टर ले चुका हूँ। एक कैरेक्टर आप कैसे ले सकते हो, इसका ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भाई हेल का चीट कोड भी डाल दिया, और यहाँ पे जल्दी से मैं बहुत सारा स्टिकी बॉम्ब भी फेंक के भाई यहाँ पे तैयार हो चुका हूँ स्टिकी मैन बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ओके स्काई फॉल का चीट कोड लग गया, और नीचे आते ही भाई ये बन जाएगा स्टिकी मैन। ठीक है, अभी तक भाई मैं कर रहा था माइकल के साथ, और यहाँ पे मैं ले चुका अभी न्यू कैरेक्टर। भाई साहब बहुत ही शानदार यहाँ पे स्टिकी मैन बन चुका है। अभी क्या करना है, अभी भाई लेके आना है जेट पैक, मिनी जेट पैक आ चुका है। अभी बैठ जाते और देखते, अरे भाई ये घूम रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले रॉल्स रॉयस भाई हाथ पैर ऊपर चला गया था माइकल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई जेट पैक लेने के बाद देख सकते हो ये गोल गोल घूम रहा है। अरे भाई साहब, ओके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, अभी निकल गया। फिर से एक बार बैठ के देखते हैं भाई थोड़ा सा अलग हो जाए। नहीं भाई, जैसे ही बैठता हूँ तो भाई एक गोल गोल घूमता है। ले भाई चलो भाई फोर के देखते देखते क्या होता है। ठीक है, मतलब स्टिकी बम को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करते हैं, बैठ जाएंगे, देखते क्या होता है। ओ भाई साहब, ये तो बंदा घूम नहीं भाई, ये घूमने लगा था लेकिन जैसे स्टिकी बम फट गया ना ये और नहीं घूमा, और फाइनली ये भाई डेड भी नहीं हुआ, मतलब ये वेस्ट नहीं हुआ, फिर भी ये भाई जेट पैक में हवा खा रहा है, मतलब मजा ही मजा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैजिक देखने को मिला, तो भाई का मित फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं लास्ट एंड आखिरी मित को। आखिरी मित पे भाई ने लिखा है, कोई भी तीन बाइक को स्पान करो लाइन से, तीनों के हेडलाइट नाइट मोड में चालू करो, फिर डेमोड कर दो, फिर देखो मैजिक। ओके भाई चलिए देखते कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई के मित को ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले लेके आना है तीन बाइक। लेकिन भाई यहाँ पे देख सकते हो मैं कैरेक्टर फिर से चेंज कर चुका हूँ, यहाँ पे कंकाल ले चुका। लेकिन भाई आप आपकी गेम के अंदर कैरेक्टर कैसे चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, और आप भी आपकी गेम के अंदर बहुत ही आसानी से कैरेक्टर चेंज कर लेना। ओके भाई के मुताबिक यहाँ पे मैं तीनों बाइक को ले चुका, अभी क्या करना है भाई, नाइट मोड करना है। पहले भाई नाइट मोड बहुत ही आसानी से हो जाता था, अभी नहीं होता है, अभी भाई 3 बार 99 करना पड़ता है तभी जाके नाइट मोड एक्टिव होता है। तो यहाँ पे बारिश मोड एक्टिव हो चुका है, अभी भाई नाइट मोड एक्टिव होने वाला है। ओके नाइट मोड एक्टिव हो चुका है, अभी भाई हमें क्या करना है, बाइक पे बैठ के लाइट ऑन करना है और निकाल के क्या करना है। ओ भाई मैं जैसे ही निकाल रहा हूँ भाई लाइट मोड बंद हो जा रहा है, लेकिन भाई बोला है लाइट ऑन करके ना फिर हमको डेमोड करना है। लेकिन जैसे ही मैं निकलता हूँ तो भाई डेमोड नहीं रहता, मतलब बाइक का लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, नाइट मोड में अगर कोई भी लाइट ऑन करके आप बाइक से निकाल रहे हो तो लाइट ऑटोमेटिक जलता रहता था, लेकिन अभी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मतलब इस मिथ को अभी ट्राई नहीं कर सकते, तो ऐसा बहुत सारे भाई ने मिथ लिखा है जिसको आप ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि वो अपडेट के बाद वो गिलीज हट चुका है। तो जो भी हो भाई का मिथ अच्छा था तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो फाइनली भाई लोग आज की वीडियो में बस हम लोग इतना मीट बस्टर को कंफर्म में ब्लास्ट कर पाए। आई होप आज की मीट बस्टर वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग इस तरह मीट बस्टर वाला वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि इस तरह मीट बस्टर वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए भाई लोग अभी हम लोग जान लेते हैं आप आपकी गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर मोड कैसे ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लेयर मोड कैसे ऐड कर सकते हो, और GTA 5 मोड कैसे ऐड कर सकते हो। और हाँ माइकल मोड कैसे गेम के अंदर ऐड कर सकते हो इसको तो मैं पहले ही बता दिया, और इसका चीट कोड क्या है ये भी मैं पहले बता दिया। तो भाई अभी हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड आप की गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। फाइनली भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लेयर मोड का गेम प्ले जो कि हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऐड हो चुका है, और GTA 5 मोड का भी गेम प्ले देख सकते हो ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हमारा गेम के अंदर GTA 5 मोड भी ऐड हो चुका है। इसलिए मैं आप सबको लाइव प्रूफ के साथ GTA 5 मोड का गेम प्ले दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का कैरेक्टर भाई GTA 5 गेम का मैप पे आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड का गेम प्ले तो देख रहे हो, लेकिन भाई ये मोड हमारे गेम के अंदर अभी तक रोहित गमा सर ऐड नहीं किया, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। रोहित गमा सर बताया मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड के ऊपर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, ये दोनों मोड हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन रोहित गमा सर यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन रखा है, रोहित गमा सर बोले ऑडियंस अगर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड का तभी ये दोनों मोड गेम के अंदर आएगा। इसलिए भाई लोग आप लोगों पर डिपेंड करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर मोड की तरह मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड भी गेम के अंदर ऐड हो जाए तो बस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट कर देना ये दोनों मोड का नाम लिख, क्योंकि जितना ज्यादा ये दोनों मोड का नाम इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में रहेगा उतना ही चांस रहेगा रोहित गमा सर
ये दोनों मोड गेम के अंदर जल्द से जल्द ऐड करवा दे। इसलिए भाई लोग दबा के ये दोनों मोड का नाम लिख के कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो को आपके दोस्तों से भी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी ये दोनों मोड का नाम लिख के कमेंट कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा ये दोनों मोड का नाम हमारा कमेंट बॉक्स में रहेगा उतना ही चांस रहेगा ये दोनों मोड हमारा गेम के अंदर जल्द से जल्द ऐड करवा दे रोहित गेमर सर। इसलिए भाई लोग मल्टीप्लेयर मोड और GTA 5 मोड लिख के दबा के कमेंट कर दो। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में बस हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आज की इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग इस तरह इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि इस तरह इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह और एक धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत।